बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ क्या हुआ, किसने गोली चलाई, गोविंदा को कैसे गोली लगी, उन्हें चोट कितनी गहरी लगी है, अब उनका क्या हाल है, इन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर्स और गोविंदा के करीबी रिश्तेदारों ने दिया। गोविंदा के भाई और उनके भांजे ने बताया कि एक्टर के साथ क्या हुआ था। वो अपना जा रहे थे, खाली रिवॉल्वर चेक कर रहे थे, उसने अच्छी रिवॉल्वर सर कोई बोल रहा था, फाइल्स में लगे थे, टायर में लगे थे, आप एग्जैक्ट बताइए सर। नहीं नहीं पहल मार साइलेंस सुनिए, बात उसकी नहीं है उठने की और फैल की, वो मुझे भी बात यह है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं और ईश्वर से पता मैं उनके जाने वालों को खास करके आप सभी लोगों को जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और जो फिल्म इंडस्ट्री में गोविंदा जी को मेरे छोटे भाई को रहते हुए जितने साल बीते और इतना प्यार मिला उन सभी के लिए मैं उनके सारे दर्शकों को सारे प्रशंसकों को मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। और इसके बारे में कुछ रिवॉल्वर अभी लेटेस्ट नहीं थी, बहुत सालों से इतने बड़े सुपरस्टार हैं हमारे देश के लिए, रिवॉल्वर तो बहुत सालों से उनके पास लाइसेंस वाली और कभी ऐसी लापरवाही आ चुकी है, इसे बोलते हैं घटना, जब बुरा जैसा होना होता है होता है तो हो जाता है। और बजरंग बली ठीक है, बहुत बहुत कृपा है कि बला टल गई है और देख रहा हूँ सब स्वस्थ है, तो वहीं डॉक्टर ने बताया कि अब गोविंदा का हाल कैसा है। नीचे लो ना, पाँच बजे आए थे। अरे कैमरा तोड़ का है, अरे शॉट जब आपको मालूम आ गई बुलेट लॉन्ग था पाँव में, फिर हमको यहाँ बुलेट निकल गई है, हमको अभी फिल हो गया है एंड कम्फर्टेबल अदरवाइज ओके एंड यू हैज बीन एडमिटेड हियर एंड यू बीन हॉस्पिटल फॉर वन आवर अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। कितना बड़ा जख्म था उनको, लेग पाँव में घुटने के जो थोड़ा नीचे लगे, कितना बड़ा जख्म था सर, गोली आर पार, गोली तो आर पार नहीं हुई है, गोली बाहर से लग के अंदर फटी हुई है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पहले आना चाहिए था ना, बट वो ठीक है, उन्होंने आपको शुक्रिया अदा की है कि बहुत मुश्किल मेरे फैमिली के साथ। अभी क्या उनको लेकर हॉस्पिटल कौन आया था सर, इसके बारे में? मैं आया था हॉस्पिटल के साथ में, मैं था उनकी डॉक्टर थी। और सर ये जो फोटो एक आ रही है गोली की है उसमें जैसा कुछ क्या कोई इन्फॉर्मेशन है क्या क्या? स्टेपल लगाते हैं, कितने लगे हैं सर? करीब काउंट नहीं करते बट अबाउट 8 to 10 लगे हैं, 8 to 10 लगे। थैंक यू सर। फैंस को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, एक्टर अब खतरे से बाहर हैं और ठीक हैं। 24 घंटे तक उन्हें हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा जाएगा, इसके बाद डॉक्टर्स बताएंगे कि उन्हें आईसीयू से शिफ्ट करना है या फिर नहीं। फिलहाल आप सब गोविंदा के लिए दुआएं कीजिएगा, एक्टर को आपकी दुआओं की बेहद जरूरत है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।